जी हाँ, इस दिन मुनावर फारूकी निकलेंगे केप टाउन यानी कि साउथ अफ्रीका फॉर खतरों के खिलाड़ी सीजन 12। आ गई कंफर्म डेट फाइनल। क्या है पूरी अपडेट, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। आपको बताना चाहूंगी कि मुनावर फारूकी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, देन अदर कंटेस्टेंट मतलब अदर कंटेस्टेंट्स को लेकर भी। लेकिन सबसे ज्यादा जो वोटिंग की मैं अगर बात करूँ तो हर किसी में पोल किया जाए तो उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग्स मुनावर फारूकी को मिल रहा है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे एक्साइटमेंट है फॉर मुनावर फारूकी। उनको खतरों से खेलते हुए देखना चाहते हैं फैंस। तो उन्होंने देखा जाए तो अभी तक वो साउथ अफ्रीका नहीं गए हैं, केप टाउन नहीं पहुंचे हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 12। तो फैंस कहीं ना कहीं, ये भी बीच में खबरें आ रही थी, लगता है वो क्विट कर रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये भी कंफर्मेशन आया कि नहीं, वो करेंगे और जा रहे हैं। ड्यू टू लीगल इशूज़ वो नहीं जा पा रहे थे और उनके शोज भी थे तो नहीं जाना हो पाया। लेकिन आपको बता दूं कि एक कंफर्म डेट आ चुकी है कि वो 7 जून, जी हाँ 7 जून 2022 को निकलेंगे केप टाउन के लिए खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के लिए, जहाँ पर वो बाकी सारे कंटेस्टेंट्स को ज्वाइन करेंगे और स्टंट्स करना शुरू कर देंगे। तो फिलहाल जिस तरीके की खबरें आई हैं वो यही आई कि 7 जून को वो निकलेंगे फॉर साउथ अफ्रीका। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा, कैसे होगा। और ये भी खबरें आ रही हैं कि नाजिला भी उनके साथ जा सकती हैं। अब इन बातों पर कितनी कंफर्मेशन है ये तो हमें तभी पता चलेगा जब वो रवाना होंगे और खतरों के खिलाड़ी सीजन 12। लेकिन अभी जो अपडेट है वो यही है कि नाजिला भी आ सकती है, नॉट श्योर बट हाँ। आपका क्या कुछ रिएक्शन है कि फाइनली वो डेट आ गया और वो दिन आ गया कि जब वो जाने वाले हैं खतरों के खिलाड़ी के लिए? बता दीजिए अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए फीफा फूस इसी तरीके के अपडेट्स के लिए।